अक्षय शर्मा और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। मध्य प्रदेश अजब है और गजब भी, इसीलिए खबरें भी कई बार अजब गजब होती हैं। जी हाँ, इस बार खबर आई है कि एमपी पुलिस के जवानों ने भूत का फोन टैप कर लिया, बल्कि पुलिस के दावे के मुताबिक भूत प्रदर्शन में भी शामिल था। बात हैरान करने वाली है और इस बात से एक महिला भी दहशत में आ चुकी है। वो समझ ही नहीं पा रही कि उसका पति तो मर चुका था, फिर कैसे उसका फोन टैप हो सकता है और कैसे वो प्रदर्शन में शामिल हो सकता है। दरअसल ये अजब गजब खबर है मध्य प्रदेश के भोपाल से। यहाँ एक महिला पुलिस के फोन के बाद से दहशत में है। पुलिस ने उसे फोन पर धमकाते हुए कहा, तुम्हारा पति 18 अगस्त को भोपाल में चयनित शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ था। महिला ने कहा उसके पति की कोरोना से पहले ही मौत हो चुकी है, वह प्रदर्शन में कैसे शामिल हो सकता है। इस पर पुलिसकर्मी ने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, हमारे पास रिकॉर्ड है। मध्य प्रदेश में आवेदनकर्ताओं को धमकी मिलने का ये पहला मामला नहीं है। भोपाल में चयनित शिक्षकों के प्रदर्शन के बाद सभी के फोन टैप किए जाने लगे हैं। हेलो, भोपाल साइबर क्राइम से बोल रहा था। हाँ नमस्कार। हेलो नमस्कार, मैंने आपको फोन लगाया था। आप क्या चयनित शिक्षक हैं क्या? जी जी जी। अच्छा, जो आंदोलन हुआ था उसमें आए थे क्या आप? हाँ मैं आया था। चलिए ठीक है, आपको सही साथियों को एफ आई आर भी हुई है? हाँ, हाँ, जी हुई है। आंदोलन वगैरह तो होनी है। प्रदर्शन करने वालों ने बताया मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के 20,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती हुई थी। इसमें चयनित अभ्यर्थियों को 2 साल बाद भी नौकरी नहीं मिली है, इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में 18 अगस्त को भोपाल में करीब 1,000 अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया था। पुलिस ने लाठी चार्ज कर प्रदर्शन को तितर बितर कर दिया था। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की थी। सभी अपने अपने जिले लौट गए। नाम न छापने की शर्त पर एक चयनित शिक्षक ने बताया, कहा जा रहा है अब दोबारा प्रदर्शन के लिए भोपाल नहीं आना, अगर प्रदर्शन करते हो तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा, एफआईआर भी होगी और नौकरी भी जाएगी। अभ्यर्थियों ने कहा कि अभी तो नौकरी दी ही नहीं है, नौकरी लेने की बात कहने लगे। इसे लेकर एक चयनित शिक्षक ने मुख्यमंत्री से शिकायत की है। उसने कहा कि चयनित शिक्षकों को साइबर सेल फोन करके धमकी दे रहे हैं, आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीके न्यूज़।